वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक फ्रेंच साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अलोन इन सूल्स, जो 2017 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी जानते वक्त आपके सामने कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। यह कहानी है ऐसे 5 लोगों की जिनकी नींद खुलने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें छोड़कर दुनिया के बाकी सारे लोग गायब हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग लगा ना? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो को। फिल्म की शुरुआत होती है एक कार रेसिंग से, जिसमें पार्टिसिपेट किया है लेला नाम की लड़की ने। फिनिश लाइन तक पहुंचने के बाद वो अपना हेलमेट निकालती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि सॉल बर्थिया को किडनैप किया गया था और अब उसकी लाश पाई गई है। दरअसल लेला का भाई एसम एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में था और इस बात की वजह से वो गिल्टी फील कर रही थी। दूसरे दिन हर रोज की तरह उसकी बोरिंग स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जॉगिंग पर जाती है और वहीं पर दो लड़कियाँ उसके भाई का मजाक उड़ाती है। यह सुनने के बाद लेला की उनके साथ हाथापाई होती है और वो उस लड़की के मुंह पर पंच मारती है। उसके बाद वो एक अम्यूजमेंट पार्क में जाती है। वहाँ पर उसे एक स्क्रीम मशीन दिखाई देती है। खुद को एक ब्रेव गर्ल मानने की वजह से वो स्क्रीम मशीन की सवारी करती है। दूसरी सुबह नींद खुलने के बाद वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है पर वहाँ सिग्नल नहीं होता। फिर वो साइकिल लेकर निकलती है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास के सारे लोग गायब हो गए हैं। फिर वो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद देखती है कि उसका भाई भी वहाँ नहीं है। कुछ मोमेंट के बाद उसे समझ आता है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ दो और लोग हैं। उसमें से एक लड़की का नाम था कमील और लड़के का टेरी। फिर वो सब एक साथ रहने का फैसला करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और लड़का मिलता है जिसका नाम था डोडी। वो उसे लॉकअप से निकालते हैं पर फिर वो किसी से बात ना करके अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जाता है। फिर लेला, कमील और टेरी डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जाकर सारे शहर को ऑब्जर्व करेंगे। टेरी पुलिस की गन चुराता है और फिर वो तीनों मिलकर शहर के सेंटर एरिया में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग पर SOS मैसेज दिखाई देता है। फिर तीनों लिफ्ट की मदद से अंदर एंटर करते हैं पर लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें गन और बैग्स वही छोड़ने के लिए कहता है। फिर लिफ्ट ऊपर जाती है और सामने खड़ा होता है उस आवाज के पीछे का मिस्टीरियस चेहरा जिसका नाम था इवान। तीनों भी ऊपर से पूरे शहर को देखते हैं पर सब जगह शांति होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में हुए एक्सीडेंट की वजह से लोगों को सोते वक्त ही बाहर निकाला गया होगा। उसके बाद इवान अपने तीनों दोस्तों को अपने पिता की गाड़ी लेकर घुमाने जाता है पर बीच में उन्हें डोडी दिखाई देता है जिसे किसी ने तीर से घायल किया था। उसकी वो हालत देखकर लेला और बाकी सब एक एम्बुलेंस चुराते हैं। तभी उन पर तीर चलाकर कोई अटैक करता है पर लेला एक अच्छी ड्राइवर थी इसीलिए वो काफी होशियारी से सबको लेकर 5-स्टार होटल पहुंचती है। वहां पर डोडी के छाती में घुसा हुआ तीर निकालती है जिससे उसकी जान बचती है। सब लोग वहां पर काफी एंजॉय करते हैं पर उन्हें यह पता नहीं होता कि एक ड्रोन उन्हें फॉलो कर रहा है। दूसरे दिन लेला डोडी से पूछती है कि क्या तुमने शूटर को देखा। तब डोडी न कहता है पर असल में वो काफी परेशान था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इवान एक रेसिस्ट है और वो वहाँ से निकलता है। फिर लेला और बाकी सब उसका पीछा करते हैं पर पीछा करते करते वो सब शहर के बॉर्डर तक पहुँचते हैं और वहाँ पर काफी सारा फॉग इकट्ठा होता है जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद सब ठीक होता है और वो वहाँ से निकलते हैं। फिर सारे पहुँचते हैं कमील की अपार्टमेंट में। सिर्फ इवान गाड़ी में बैठा रहता है। सबका इंतजार करने के बाद वो भी अपार्टमेंट में चला जाता है गाड़ी को वैसे ही छोड़कर। अंदर कमील सब सामान इधर उधर फेंक देती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। कुछ मोमेंट के बाद लेला को पार्किंग गैराज में गाड़ी दिखाई देती है और वो गाड़ी की तरह भागने लगती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि गाड़ी के बैक सीट पर एक मास्क पहना हुआ आदमी गाड़ी को चला रहा है। यह सिलसिला होने के बाद लेला की मुलाकात कमील और टेरी से होती है। फिर वहाँ से निकलने के लिए वो एक बस स्कूल का इस्तेमाल करते हैं। टेरी लेला को उस मास्क मैन की एक रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो उसे स्टीलमैन कहकर बुलाता है। उसी रात टेरी डोडी से पूछता है कि तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था पर वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन यह गैंग इवान के घर पहुंचती है जहां पर उन्हें दिखाई देती है एक का जिसे चुरा कर वो भाग चलते हैं। रास्ते में उन्हें दिखाई देता है कि सामने फॉग इकट्ठा हुआ है। फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है, एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कहा गया था कि आप लोग फॉग में ड्राइव ना करें और उन्हें मदद करने का प्रॉमिस भी किया जाता है। उनकी बात मानकर गैंग होटल पहुंचने का फैसला करती है। पहले उन्हें सिग्नल नहीं मिलता पर इवेंचुअली वो पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर सब लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
रात में शराब पिया हुआ इवान लेला को नींद से उठाकर गन देता है और कहता है कि होटल में कोई तो है। फिर अचानक से लेला के सामने स्टीलमैन आता है, पर गन होने के बावजूद भी लेला छुप जाती है। डोरी लेला की मदद करने के लिए आता है और तभी वह स्टीलमैन भाग जाता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन फॉग होटल के नज़दीक आना शुरू होता है और होटल में वो ड्रोन चुपके से कमील पर नजर रखता है। दूसरे दिन डोरी होटल से चले जाने के बाद इवान को होश आता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता कि कल क्या हुआ था, क्योंकि उसने शराब पी थी। दूसरी तरह लेला डोरी का पीछा करते करते चर्च पहुंचती है। उन्हें लगता है कि रेडियो से बातें करने वाला इंसान उनकी हेल्प करने आएगा, पर तभी उन्हें होटल से निकलने वाली आग दिखाई देती है। वो तुरंत होटल पहुंचते हैं, तभी पता चलता है कि कमील किडनैप हुई है। फिर उनके सामने वही ड्रोन आता है और उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग कमील को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ड्रोन सबको लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद सिर्फ डोरी को अंदर जाने के लिए कहा जाता है। लेला डोरी को गन देती है और हग करती है। 5 मिनट के बाद भी डोरी बाहर नहीं आता, इसलिए लेला परेशान होकर अंदर अकेली चली जाती है और वहां देखती है कि डोरी को मार दिया था। फिर अचानक से स्टीलमैन आता है, लेला को पकड़कर चाकू से जान से मारने की कोशिश करता है, पर ठीक उसी वक्त टेरी वहां पर आकर स्टीलमैन से हाथापाई करता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो डोरी की लाश को दफनाते हैं। लेला स्टीलमैन को पुराने चर्च ले जाकर कई सवाल पूछती है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। फिर टेरी उसकी शर्ट के लोगो को देखता है और कहता है कि यह मेरी माँ की एसोसिएशन का लोगो है, जो जवान बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी से डील करने के लिए मदद करती है। यह सुनकर लेला उसे छोड़ देती है। वापस आकर लेला को डोरी का एक नोट मिलता है, जिसमें उसने उसके अरेस्ट होने का रीजन लिखा था। दरअसल एक आदमी उसकी माँ को परेशान करता था, मारता था, इसलिए उसने उसे ही मार दिया। फिर ऑडियो की मदद से लेला उस आदमी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। यह वही आदमी था जिसने कमील को किडनैप किया था। उसके बाद धीरे धीरे चर्च में फॉग इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से सारे बच्चों को बाहर भागना पड़ता है। फिर लेला और टेरी को पता चलता है कि वो किडनैपर एक सर्कस में छुपा हुआ है। वहां पर कमील को एक बॉक्स में रखा गया था। यह काम था उस सफेद बालों वाले आदमी का, जिसका नाम था सॉल, और इसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसी ने ही स्टीलमैन से डोडी को खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों को मार नहीं सका, और फिर तीर चलाकर सॉल उसे भी मार देता है। लेला सॉल को डराते हुए अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहती है, पर सॉल नहीं मानता। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा। तुम कई दिन पहले अम्यूजमेंट पार्क गई थी, जहां पर एक ब्लास्ट हुआ था। उसकी बकवास सुनकर टेरी उसे घायल करता है। तभी सॉल लेला को एक फ्लायर देता है, जिसे देखकर वो काफी फ्रस्ट्रेट होती है, और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कमील, टेरी, इवान और डोरी को पार्क में देखा था और वो सारे ब्लास्ट में मर चुके थे। इवान भी हैरान होता है और उसे भी समझ आता है कि एक बार मरे हुए लोग फिर से नहीं मर सकते। फिर लेला डोरी के कब्र की तरफ जाती हैं और उसे बचाती हैं। डोरी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर लेला उसे हंसते हंसते बताती है कि यह सब मेरा इमेजिनेशन है। फिर डोरी को जिंदा देखकर बाकी सारे हैरान होते हैं। लेला के सपने में उसका भाई एसम उसे फॉग के दूसरी ओर ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर सारी गैंग काफी स्ट्रगल करके उस फॉग को पार करके दूसरी तरफ जाती है। फिर वो सब एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जहां पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, जो शायद असल जिंदगी में मर चुके थे। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सॉल बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, जैसे वो उन सब का लीडर है। और यही पर होती है कहानी खत्म। क्या लेला जैसी ब्रेव गर्ल आपको पसंद आई? क्या सॉल को देखकर आपको डर लगा? आए हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें, और ऐसे कई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।